का चहेता अलेक्जेंडर मैसेडोनिया लौट आया है, जहां रहना उसकी किस्मत है। मैसेडोनिया की खिदमत में अलेक्जेंडर एक बार फिर से हाजिर है। बदकिस्मती से मुझे अपने मादरे वतन को छोड़कर कुछ वक्त के लिए यहां से जाना पड़ा, मगर यकीन मानिए मेरा, तब से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मुझे अपने मैसेडोनिया की याद ना आई हो। एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने अपने मैसेडोनिया के लोगों के बारे में ना सोचा। मैसेडोनिया का बेटा हूं मैं, और आप सब लोग मेरे अपने हैं। इसलिए आज मैं आप सब लोगों से एक वादा करता हूं कि जब तक अलेक्जेंडर जिंदा है, मैसेडोनिया में कभी किसी को कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैसेडोनिया तरक्की करेगा, बड़ा होगा, इतना बड़ा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनत भी मैसेडोनिया के सामने पौनी साबित होगी। मैसेडोनिया है कोई और जिसमें मेरा सामना करने का मादा हो? अलेक्जेंडर, एक एक करके तुमने सारे लड़ाकों को शिकस्त दी। अब मुझे देखना यह है कि क्या तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। इस वक्त मुझे एक शाह नहीं, एक लड़ाका समझो अलेक्जेंडर। चलो थोड़ी दिलजोई करते हैं, देखता हूं कि तुम्हारे जवा खून में कितना ताप। बहुत अच्छे लड़ाके हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम फारस के लड़ाकों के सामने टिक पाओगे। जानते हो, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है फारस, और उस पर कब्जा करने के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान बन जाऊंगा मैं। सुना है फारस के बारे में? सुना है फारस का सुल्तान एक व्यापारी था। सल्तनत बनाना भी तो एक कारोबार ही है अलेक्जेंडर, और डराया सा कारोबारी दिमाग बहुत शातिर है। यहाँ के लड़ाकों से लड़ना उतना ही आसान जितना डराया को हराना मुश्किल। मगर शातिर लोग भी कभी कभी भूल कर जाते हैं, और डराया ने भी वही बेवकूफी की। क्या? वो भारत चला गया। भारत की मिट्टी पर किसी बाहर वाले के पैर नहीं टिक सकते।
तुम्हारी जीत की शुरुआत जहां से भी हो, पर तुम्हारा मुस्तकबिल तब पूरा होगा जब तुम भारत पहुंचोगे। अपने वतन को छोड़कर भारत जाना तरायस की सबसे बड़ी भूल है। कभी कभी कुछ बड़ा पाने की चाह इंसान को आह की शिकस्त देती है। चाह तो आपकी भी कुछ ऐसी ही है। पहले मैसेडोनिया को बिना महफूज किए थ्रेशन के खिलाफ छोड़ गए और अब फिर से फारस जा रहे हैं। क्या किसी और मुल्क पर हमला करने से पहले अपने मुल्क की हिफाजत जरूरी नहीं है? बेशक, तो तुम्हें क्या लगा मैंने यहां तुम्हें क्यों बुलाया? फारस पर मैं फतह करूंगा और तुम मैसेडोनिया की हिफाजत करो, मगर याद रहे तुम यहां मैसेडोनिया को महफूज करने के लिए हो। यहां हुकूमत और हुक्म मेरा ही चलेगा। मैं ही मैसेडोनिया का शाह हूं और मैं ही तुम्हारा वालिद। शादी? किसकी शादी? बहुत जल्द जान जाओगे। तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे किसी अपने से रिश्ते में जुड़ने जा रहा है। क्लियोपेट्रा, मेरी बेटी। क्लियोपेट्रा, अलेक्जेंडर, भाई कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, पर तुम यहां बरसों मामा के घर रही और अब लौटी हो, वो भी इतने दिनों बाद बिना किसी को खबर दिए अचानक से। मैंने इसे यहां बुलाया है। बरस हो गए, अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा था, इसलिए बुला लिया। बिना अपने फायदे के तो तुम सांस भी नहीं लेते फिलिप। कोई तो वजह है जो तुमने क्लियोपेट्रा को यहां बुलाया। वजह तो है, और वजह यह है कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने गलतियां तो की है और अब मैं उसे सुधारना चाहता हूं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो अलेक्जेंडर, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच की दूरियां बढ़े, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिशें करे। और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुमसे दूरियां मिटाना चाहता हूं, मैंने फैसला किया है कि क्लियोपेट्रा की शादी करवा दी जाए। क्या? अगर ऐसा था तो आपने हमें खबर क्यों नहीं दी शाह? हमें नहीं पता था कि आप हमें यहां शादी के लिए बुला रहे हैं। क्या हमें अपनी जिंदगी चुनने का कोई हक नहीं है? नहीं क्लियोपेट्रा, मैसेडोनिया में आज भी अपनी बेटी की जिंदगी तय करने का हक पाप को ही है। तो फिर आपने यह भी तय कर लिया होगा कि क्लियोपेट्रा की शादी किससे होने वाली? बेशक, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते सुधारना चाहता हूं, तो मैंने तय किया है कि यह शादी भी तुम्हारे ही किसी खास रिश्तेदार के साथ होगी। इसलिए बेहतर होगा कि क्लियोपेट्रा की शादी भी
तुम्हारी माँ के भाई एपेरस के अलेक्जेंडर के साथ। क्यों मेरे भाई अलेक्जेंडर की शादी तुम्हारी बेटी के साथ क्यों? तुम्हें तो मेरा खून बदजात लगता था ना, अब क्यों उसे मेरे खून से मिलाना चाहते हो? मैंने वो किया जो सही लगा। अगर इसमें तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम्हें एतराज करने का पूरा हक है। हक? हक दिया ही कहां है तुमने कभी किसी औरत को फिलिप? पहले मुझसे मेरी मर्जी का हक छीना और मेरी बेटी पर अपनी मर्जी थोप रहे हो। बादशाह हो ना, सिर्फ हुक्म देना जानते हो, सलाह लेना नहीं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि फारस पर हमला रोककर तुम्हें मेरी बेटी की शादी में क्या दिलचस्पी हो गई? फारस पर हमला जरूर होगा मगर इस शादी के बाद। एक बार क्लियोपेट्रा की शादी तुम्हारे भाई के साथ हो जाए तो हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। क्या एक लड़की की कोई चाह नहीं है? शादी मेरी होने वाली है और किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे क्या चाहिए। ये नाइंसाफी है। हमारे पास कोई और चारा नहीं है क्लियोपेट्रा। शाह की मर्जी के खिलाफ जाना मौत के रास्ते पर जाना है। और अगर अपनी मर्जी की करनी है तो शाह बनना जरूरी है। कुल्हाड़ी की धार अब बैल की कुर्बानी देने को तैयार है। दरख्त को उखाड़ फेंकने के लिए आखिरी चोट देने का वक्त आ गया है अलेक्जेंडर, और वो वक्त है ये शादी। खुशियां और गम साथ साथ आते हैं, एक गम के साथ अब एक खुशी भी आएगी। एक यही है जो मुकाबले में आखिरी तक टिका रहा, बाकी लोगों ने या तो हथियार डाल दिए या मारे गए। लेटस, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारी भी मौत हो सकती थी, फिर बाकियों की तरह तुमने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि जो काम सौंपा जाए उसे खत्म करो, या उसे खत्म करने की कोशिश में खुद खत्म हो जाओ। और एक बात जानी भी है कि आपसे बेहतर लड़ाका कोई नहीं। मैंने आपको जंग में देखा है, बस एक मौके की गुजारिश है। मैं आपके लिए ऐसी फौज तैयार करके दूंगा जिसे कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा। मौका दिया मगर मैंने नहीं, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी दिलेरी और तुम्हारी जिद ने। आज से मेरी फौज के तुम सिपह सलार हुए क्लिटस। मेरे साथ जंग में तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी क्लिटस। और अब तुम मेरे रास्ते में आने वाले सबसे पहले पत्थर को हटाने में मेरी मदद करोगे। हे
ये पोसेनियस है, शाह फिलिप का सबसे वफादार मुहाफिज। जितना वफादार उतना ही खूंखार। कई बार अपनी वफादारी का इम्तिहान दे चुका है, अब तुम्हारे इम्तिहान की बारी है। कमाल है, एक मर्द औरत को हमेशा कमजोर मानकर उस पर जुल्म करता है, पर एक औरत ही है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? ये अब किसी काम का नहीं रहा, शराब के नशे ने इसे नकारा कर दिया है। तुम मेरे पास आओ, हम जिंदगी और इस महफिल का मजा लूटते हैं। शाह फिलिप का मुहाफिज कभी अपने होश नहीं खोता। काश तुमने ये समझा होता कि जिसने शाह की हिफाजत की हो वो शराब के शिकंजे में नहीं फंसते। और तुम अभी कुछ वक्त पहले ही महखाने में आए हो, है ना? और ये तुम्हारा पहला जाम है। अभी खत्म भी नहीं हुआ और तुम नशे में झूमते हुए दिख रहे हो। अब मुझे वो जानना है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी सांस जाने से पहले मुझे वो बताएगी कि तुम्हें यहां किसने भेजा है और क्यों। अपनी मौत को एक राज बना देना चाहते हो या जिंदा रहकर इस राज से पर्दा उठाओगे कि तुम्हें यहां किसने भेजा है? अटेलस चाहता था कि मैं पोजोनियस को खत्म कर दूं। मगर अटेलस ऐसा क्यों करेगा? वो बाद में जानेंगे। मुझ पर हमला हुआ है, मतलब शाह फिलिप भी महफूज नहीं। मुझे फौरन शाह फिलिप को इत्तला करना होगा। बेशक, इसे जल्द से जल्द शाह फिलिप के सामने पेश करते हैं। तो अब खेल शुरू हुआ है फेस्टियन। जिसने तुम्हारी इतने सालों की वफादारी को रुसवा किया, सांसें अगवा कर लो उसकी, कत्ल कर दो फिलिप का। फिलिप की आंखें कल सुबह का सूरज नहीं देखनी चाहिए। तुमने मुझे मेरी वफा का इनाम दिया और अब मैं तुम्हें तुम्हारी जफा का अंजाम दे रहा हूं।